हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन के लड्डू। फ्रेंड्स, आपने बेसन के लड्डू तो बहुत खाए होंगे हलवाई से मंगवा कर, लेकिन अगर यह लड्डू हलवाई जैसा ही टेस्ट अगर आपको घर पे ही मिल जाए तो आप क्यों ना घर पे ही बनाकर खाएं। जिस तरीके से मैं आज आपको ये लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से घर पे लड्डू बनाएंगे तो आप हलवाई के स्वाद को भी हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, यह लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उसके लिए किन किन इंग्रीडियंट की ज़रूरत होगी वो मैं अब आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है एक कटोरी बेसन, कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये एक कटोरी घी है। ये मैंने शुद्ध देसी घी लिया हुआ है। आप चाहो तो जो आपके पास अवेलेबल हो वही घी ले सकते हो। और फ्रेंड्स, ये है एक कटोरी पिसी हुई चीनी। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को और अब हम अपने इंडेक्स को ऑन करेंगे और अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे घी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब मैं अपने घी को अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। तो देखिए, हमारा घी मेल्ट होने लगा है धीरे धीरे। अब हम इसी कंडीशन में इसमें डाल देंगे बेसन। यह धीरे धीरे अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा तब तक। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा सारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक कटोरी अपना बेसन डाल देंगे। और ये मैंने हाफ कटोरी और बेसन ले लिया है, वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। अब हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे। ये थोड़ा सा बेसन इसमें रह गया था, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और अब हम बराबर इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारा बेसन जले नहीं और नीचे की तरफ लगे नहीं। तो उसके लिए हमें इसी तरह इसे हिलाते रहना है। बेसन आप मोटा या बारीक जैसा आपके पास अवेलेबल हो वैसा ले सकते हो। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको अपने बेसन को हिलाते रहना है। तो देखिए, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि इसे मैं धीरे धीरे पका सकूँ। और आपको घी इतना ही डालना है जितना कि आप हमारे बेसन में देख रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेसन पकेगा वैसे ही हमारा बेसन घी को छोड़ देगा। और जो अब आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है वो खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेसन पकने के बाद घी खुद ब खुद छोड़ देता है। वो अभी मैं आपको कुछ देर में दिखा भी दूंगी। तो देखिए, अभी मैं अपना लकड़ी का चम्मच निकाल के दूसरा चम्मच ले रही हूँ। इसे हमें हिलाने में काफ़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई है। अगर आपके पास वैसी कढ़ाई हो तो वैसे में आप बना सकते हो। उस पर थोड़ा सा आपको मेरे से ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें बेसन काफ़ी चिपकेगा नीचे की तरफ। और उसे आपको बार बार इसी तरह हिलाते रहना होगा। नॉनस्टिक बर्तन में हमारे जो भी हम बनाते हैं या फिर हम कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो नीचे की तरफ चिपकती है, वो कम चिपकती है, इसलिए हम नॉनस्टिक बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो यूज़ कीजिएगा, नहीं हो तो ऑप्शनल है ये। आपको इसे तब तक हिलाना है जब तक हमारा बेसन अच्छे से पक नहीं जाता। आपको इसे ब्राउन कलर का कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा थोड़ा बेसन भुन चुका है। ये आपको हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी कंडीशन में भी अब काफ़ी चेंजिंग दिखाई दे रही होगी। पहले इसमें घी काफ़ी कम था, अब हमारे बेसन ने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह हिलाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। हमारे बेसन का धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी हमारा बेसन पका नहीं है अच्छे से। तो अभी हमें इसे इसी तरह हिलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे बेसन ने घी भी छोड़ दिया है। अब
ये पहले जितना ना तो टाइट रहा है और ना ही पहले जैसा कलर इसका रहा है, ये हल्का हल्का ब्राउन कलर का भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारे बेसन में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और हमारा बेसन बहुत ही अच्छा पक चुका है। अब आपको इसकी यही कंडीशन रखनी है। हमारा बेसन पक चुका है। अब हम एक बाउल में लेंगे थोड़ा सा पानी, आपको सिर्फ इतना पानी लेना है और इस पानी में डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कलर फूड, ताकि हमारे जो लड्डुओं का कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। तो देखिए, मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा हिला लेंगे और अब मैं अपने बेसन में इसे धीरे धीरे डालूंगी। और हमारा बेसन देखिए फूल रहा है, तो आप इसमें घबराना बिल्कुल नहीं, इससे हमारे बेसन में बिल्कुल दाना दाना हो जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे बेसन में बिल्कुल दाना दाना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। इससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने कुछ बादाम को लंबे उसमें काट लिया था और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमें गर्म में बिल्कुल मीठा नहीं मिलाना है। अगर आप गर्म बेसन में मीठा मिलाओगे तो आपका मीठा इसमें मेल्ट हो जाएगा और आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो अब मैं इसे थोड़ा सा फैलाकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा बेसन ठंडा हो चुका है। आपको इसे ज़्यादा गर्म में बिल्कुल नहीं डालना है अपना मीठा। तो मैं अपने इस चम्मच को चारों तरफ से थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ और अब मैं इसे थोड़ा टच करके देखती हूँ, ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी अपना मीठा। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मीठा अच्छे से मिला लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो आप इसमें मीठा और भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक एक करके अपने लड्डू बनाऊँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारे लड्डू कितना बढ़िया बना हुआ है। मैं इसे एक प्लेट में रख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। हमारे बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आप कलर भी देख सकते हो, इनका कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है और यह लड्डू बिल्कुल दानेदार बना हुआ है। मैं एक लड्डू इनमें से आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हमारे लड्डू कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।